मूली की रसेदार सब्जी बनाने के लिए हमें जरूरत होगी मूली, थोड़ी सी चीनी, 1 इंच अदरक के कटे हुए टुकड़े, 2 चीरी हुई हरी मिर्च, आधे नींबू का रस और थोड़े से हरा धनिए की। तो मूली की रसेदार चंदे वाली सब्जी बनाने के लिए मैंने ले लिया 1 किलो मूली। मूली को हमें धोकर अच्छी तरह से छील लेना है। मूली को मैंने छीलना शुरू किया है और छीलने, काटने और छौंकने के में केवल 15 मिनट में ही सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। चंदे बनाने के लिए मैंने निकालनी है इनके गोल गोल स्लाइसेस। मूली के ये जो गोल चंदे हैं, ये ना बहुत पतले होने चाहिए ना ही बहुत मोटे। मैं काट रही हूँ ना सब्जी काटने वाले चाकू से, और अगर आप चाहें तो चिप्स कटर से भी काट सकते हैं। तो मूली के जो चंदे हैं उन्हें मैंने काट लिया है और गैस पर चढ़ा दिया है कुकर। कुकर में डाल दिया है तेल और तेल गर्म होते ही डाला है उसमें अजवाइन और हींग। अजवाइन और हींग का तड़का इसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो डाल दिए हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और डाल दिए लाल मिर्च पाउडर। गैस इस समय फुल फ्लेम पर है और फुल फ्लेम पर ही हमें अपनी सब्जी छौंकनी है, ताकि अजवाइन के तड़के का जो स्वाद है वो इस सब्जी के अंदर आए। और ये सब्जी बाद में भी हमें जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा उसके बाद नहीं पकानी है, जिससे कि ये जो अजवाइन का तड़का है ये इसका स्वाद हमारे मुंह में आना चाहिए और अजवाइन भी मुंह में आनी चाहिए। तो सारी जो मूली के चंदे हैं इन्हें हमने मसाले में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। सलाद में तो हम मूली पसंद करते ही हैं और साथ ही मूली के पराठे भी खाए जाते हैं, लेकिन आप मेरी रिकमेंडेशन पर इस सब्जी को बनाकर देखिएगा जो बहुत जल्दी बन जाती है। 1 इंच अदरक का जो मैंने टुकड़ा काटा था वो, और चीरी हुई मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है। अदरक का स्वाद भी बहुत टेस्टी लगेगा। अब डाल दिया है मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक। अब डाला है मैंने इसमें 1 कप पानी। केवल 1 कप पानी ही इसमें जाएगा, क्योंकि मूली में अपना ही मॉइस्चर बहुत अधिक है, मूली पानी छोड़ती है, इसलिए इससे ज्यादा पानी हमें नहीं डालना है। पानी डालने के बाद भी सब्जी को एक बार चला दीजिए और अभी इसी स्टेज पर डाल दीजिए चीनी। तो 1 किलो मूली के लिए डाली है मैंने 1 छोटी कटोरी चीनी। आप अपने स्वाद के अनुसार इसे थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं और चाहे तो मूली को चखकर देख लीजिए। क्योंकि मैं बना रही हूँ इस सब्जी को प्रेशर कुकर में, तो मैंने लगा दिया है इस सब्जी में प्रेशर। केवल 2 सीटी के बाद मैंने कुकर खोल लिया है प्रेशर रिलीज होने के बाद, और देखिए इस कंसिस्टेंसी पर हमारी सब्जी तैयार हो गई है। ना इस सब्जी में प्याज डाली गई है ना ही टमाटर, और इसका टेस्ट है लाजवाब। छिड़क दीजिए थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दीजिए आधा नींबू का रस, और तैयार हो चुके हैं परोसने के लिए हमारी मूली के खट्टे मीठे चंदे। अब हमें इसे बिल्कुल भी गैस पर पकाना नहीं है, वरना तड़के का जो अजवाइन का स्वाद है वो नहीं आएगा। डाल दीजिए इसके ऊपर, गार्निशिंग कर दीजिए हरे धनिए से, और सब्जी बनकर आपकी तैयार है केवल 10 से 15 मिनट में। तो मूली के खट्टे मीठे चंदों की सब्जी बनाइए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।